Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Structure and Functions of Living Organisms. Introduction. You are aware that the whole body of a bacterium is made up of one cell only. On its own, the single cell must do all the jobs to keep the bacterium alive. A cheetah, however, is multicellular. It is made of a large number of cells. All these numerous cells are organized into different parts of its body, enabling it to carry out more complex activities than a bacterium. All these different parts of its body, whether small or large, interact with each other, perform their special functions, and keep the cheetah alive. In a multicellular organism, cells do not work alone. Cells that are similar in structure and function join together to form tissues, such as bone tissue and muscle tissue. However, an organism is a complete living thing that carries out all the basic life functions. देखिए आपका जो बैक्टीरिया है आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि सिर्फ एक सेल से बना है. अब वो एक सेल क्या करेगा, जितने भी उसके बॉडी के फंक्शंस है वो सारे परफॉर्म करेगा जैसे कि जो बैक्टीरिया वो जिंदा रह सके. हालांकि अगर हम चीता की बात करें तो चीता मल्टीसेलुलर है. मल्टीसेलुलर यानी कि वो बहुत सारे सेल से उसकी बॉडी बनी हुई है. तो जितने भी ये सेल्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. एंड उसके बाद आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके चीता के बॉडी के, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस जिसकी वजह से जो चीता है इट रिमेन्स अलाइव. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल्स जो हैं अकेले काम नहीं करते हैं. जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जो मतलब जो जिनका स्ट्रक्चर एंड जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, जैसे कि आपका बोन टिश्यू है या फिर मसल टिश्यू. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स. सेल्स एंड टिश्यूज. जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू हैव टिश्यूज विच आर फॉर्म्ड बाय सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ ए प्लांट आर कवर्ड बाय अ टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मिस विच प्रोटेक्ट्स अ प्लांट एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. Tissue known as xylem conducts water and dissolved minerals up through the stems to the leaves. Another special tissue called phloem brings food made in the leaves back to the stem and roots. अच्छा जैसे आपके animals हैं उनकी तरह plants में भी tissues होते हैं, okay, जो कि आपके similar cells के group से बने हैं. Okay. तो जो leaves and stems होते हैं plants के, ये एक type के tissue से covered होती हैं जिसे कहते हैं epidermis. तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है एंड जो लॉस ऑफ वाटर है उसको भी प्रिवेंट करता है. प्लांट टिश्यू आपका एक जाइलम है, इसका फंक्शन होता है वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं उनको कंडक्ट करना, राइट right? मतलब अप थ्रू द स्टेम्स टू द लीव्स. एंड का एक दूसरा टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम, ये फूड को कैरी करता है, लीव से बनते हैं देन ये वापस आपके स्टेम या रूट से इनको कैरी करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. On the basis of their size, shape and lifespan, plants classified into 5 categories. तो देखिए plants को इन 5 categories में divide किया गया है. आपके trees हैं, shrubs, herbs, creepers and climbers. तो चलिए इनके बारे में हम details पे से पढ़ते हैं one by one. Number one, trees. Trees are woody plants which usually grow tall with a single main stem or trunk. Trees grow wherever they can find sufficient warmth and moisture. As they get older and larger, they produce branches. But coconut and palm trees do not produce branches. Trees mostly survive for many, many years. अच्छा, trees आपके ना woody plants होते हैं जो usually आपके लंबे होते हैं, जिनकी single main stem या trunk होती है. अब trees आपके कहीं पे भी उग जाते हैं, जहाँ पे भी उन्हें suitable conditions मिलती हैं, यानी जहाँ पे उनको suitable warmth या moisture मिलता है. तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, लार्ज होते रहते हैं, तो ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं. बट कोकोनट एंड पाम ट्रीज ऐसे हैं जो कि ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करते. एंड ट्रीज का लाइफ स्पैन काफ़ी सालों का होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं. नंबर टू, श्रब्स. श्रब्स आर वुडी प्लांट्स दैट ग्रो विद सेवरल मेन स्टेम्स. स्पीशीज व्हिच यूजुअली ग्रो एज ट्रीज विल ऑफन ग्रो एज श्रब्स. इफ द मेन ट्रंक इज डैमेज्ड और कट डाउन, these are medium sized plants with hard woody stem. Lemon, corinda and bougainvillea are some examples of shrubs. The lifespan is also quite long but less than trees. Shrubs aapke woody plants hote hain, okay, jisme aapki bahut sari stems hoti hain. To species jo generally aapki usually kya hoti hai, as a jo tree grow karti hai
उनमें आपके क्या होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, अगर मेन ट्रंक आपका डैमेज है या उसको काट दिया गया, तो ये आपके मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं जिनकी हार्ड वुडी स्टेम होती है। ये एग्जांपल्स हैं आपके, ये आपके जो हैं श्रब्स हैं, इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है बट ट्रीज से थोड़ा कम होता है। नंबर थ्री, हर्ब्स। हर्ब्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट अराउंड 1 to 2 सीजन्स। दे हैव अ सॉफ्ट एंड नॉन वुडी स्टेम। देयर आर सम मेडिकल हर्ब्स दैट कंटेन यूजफुल ड्रग्स। मिंट, पार्सली, सेज, बालसम एंड मस्टर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स आपके साइज में छोटे होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, जनरली आपका होता है 1 से 2 सीजन। ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट और इनकी नॉन वुडी स्टेम होती है, और इनमें से आपके कुछ तो आपके मेडिकल हर्ब्स भी होते हैं जिनसे हम मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जिनसे आपके बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के। नंबर फोर, क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स सो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट एज दे क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड सच एज अ बॉटल गॉर्ड। अच्छा देखिए, आपका क्या होता है, क्रीपर्स इनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और इसीलिए इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट? तो इनमें जैसे आपका एग्जाम्पल आता है बॉटल गॉर्ड। नंबर फोर, क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स सो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट एज दे क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड सच एज अ बॉटल गॉर्ड। अच्छा, क्रीपर्स की जो स्टेम होती है काफ़ी वीक होती है तो इसीलिए वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं एंड ग्राउंड के अलॉन्ग फिर ये स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे कि आपका बॉटल गॉर्ड। लास्ट वन इज क्लाइमर्स। लाइक क्रीपर्स, क्लाइमर्स टू हैव वीक स्टेम्स, दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टेक्स, वॉल्स एक्सेट्रा टू ग्रो सच एज ग्रीन पाइन एंड मनी प्लांट। क्रीपर्स की तरह क्लाइंबर्स की भी वीक स्टेम होती है और इसीलिए इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, तो या तो किसी वॉल का सपोर्ट लेते हैं या प्लांट का या फिर स्टिक का, जैसे कि आपके एग्जाम्पल हैं ग्रेप वाइन या फिर मनी प्लांट। 4.2, सिस्टम्स इन प्लांट्स। द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स आर ऑर्गन्स दैट एंकर और सिक्योर प्लांट्स टू द सॉइल। दे यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड। दे ग्रो टूवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। They absorb water and mineral salts from the soil to supply the plant's needs. There are two kinds of root system. A taproot system consists of one major root from which various minor branches arise, such as in balsam and pea. A fibrous root system consists of numerous similar fine roots all growing from the base of the plant stem, such as in wheat and millet. अच्छा देखिए, आपके प्लांट के दो सिस्टम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट का काम क्या होता है कि वो प्लांट को फॉर्मली जो है होल्ड करके रखते हैं, राइट, सिक्योर करके रखते हैं सॉइल में और आपके ये ग्राउंड के नीचे होते हैं। ये मॉइस्चर की तरफ ग्रो करते हैं एंड ग्रेविटी, बट हमेशा ये लाइट से अवे होते हैं। ये वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और उसके बाद ये जो जो प्लांट को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसे सप्लाई करते हैं, राइट? अब दो तरह के रूट सिस्टम है, एक तो है आपका टैप रूट सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है कि सिर्फ एक मेजर रूट होती है जिसमें से माइनर ब्रांचेस आपके निकलते हैं, जैसे कि बालसम या पी प्लांट में। फाइबरस रूट सिस्टम है आपका दूसरा रूट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी बहुत सारी फाइन रूट्स होती हैं जो प्लांट स्टेम के बेस से आपकी ग्रो करती हैं, जैसे कि आपके व्हीट एंड मिलेट में। नेक्स्ट वन इज द शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यूजुअली इट रिमेन्स अबव द ग्राउंड। लाइक रूट्स, इट ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट एंड अवे फ्रॉम मॉइस्चर। अच्छा, शूट सिस्टम में आपका क्या होता है, देखिए आपका जैसे ये प्लांट है, दिस इज योर प्लांट, आपके जो ये आपका जो रूट वाला प्लांट है, दिस इज योर रूट सिस्टम, एंड इससे जो ग्राउंड से अबव है जिसमें आपके स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स ये सारे आते हैं, वो आपका शूट सिस्टम। 4.3, special functions of roots, modified roots. Root crops. Root crops are the crops grown for their roots or tubers. अब जो root crops होती हैं, ये उनकी roots या tubers के लिए grow की जाती हैं. They are good to eat as they contain large amounts of starch, an energy-giving substance. Some examples of root crops are turnip, carrot, radish and beetroot. These are also called modified roots. अच्छा, अब इन में रूट्स में क्या होता है, इनमें काफ़ी अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है,
एंड स्टार्च आपको पता है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है. जैसे कि आपका टर्निप या इनकी बात करें, ये सारे ही आपके रूट्स हैं या फिर इन्हें मॉडिफाइड रूट्स भी कहा जा सकता है. इन्हें हम कंज्यूम करते हैं. Some roots arise from the nodes of the plants, such as money plant, betel, and black pepper. These roots help the plant to climb up and stay on its own, though its stem is very weak. अच्छा, कुछ roots हैं ना आपकी plant के nodes में से आपकी arise हो जाती है, जैसे कि money plant में. और ये example है आपके, right? अब इसमें क्या होता है कि ये जो roots होती हैं plants को help करती हैं climb up करने में, है ना, क्योंकि इनकी stem काफ़ी weak होती है. 4.4 stem and its function. Stems bear leaves and flowers and normally hold a plant erect and upright. Most stems are round. Look at a rose or any other plant. You will notice that its stem has some joints where the leaves and branches arise. This part is known as a node. The part between any two nodes is known as internode. All stems have nodes and internodes as shown in figure 4.8. This figure. Okay. अब देखिए स्टेम जो आपको नज़र आ रहा है, स्टेम में दिस इज स्टेम. इसमें आपके क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं. और नॉर्मली स्टेम का फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को होल्ड करके रखता है इरेक्ट एंड अपराइट. ज़्यादातर स्टेम्स राउंड होती है, जैसे कि रोज़ या किसी भी आपको प्लांट को आप देखेंगे उसकी स्टेम वो राउंड होती है. ओके, तो आपके स्टेम में ना कुछ जॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपकी लीव्स या फिर ब्रांचेस अराइज करते हैं. तो इस पार्ट को कहा जाता है नोड. एंड जो पार्ट आपके दो नोड्स के बीच में होता है उसे कहा जाता है इंटरनोड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज नोड एंड दिस इज इंटरनोड, राइट. फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. स्टेम ऑफ ए प्लांट हैज द फॉलोइंग फंक्शंस. इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. इट सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इन एडिशन द स्टेम्स होल्ड द लीव्स अप इन द एयर सो दे कैन रिसीव सनलाइट एंड मेक देयर ओन फूड. स्टेम्स ऑल्सो कंटेन एंड स्टोर फूड, वाटर, मिनरल्स एंड शुगरी प्लांट फूड. जब स्टेम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट. प्लांट के दूसरे पार्ट्स को सपोर्ट करता है. इसके अलावा स्टेम जो है लीव्स को होल्ड करके रखते हैं एयर में, जिससे कि वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर सकें एंड अपना खाना बना सकें. मॉडिफाइड फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फुलफिल अदर फंक्शंस एज वेल. सम सच फंक्शंस आर एज फॉलोज. सम अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड ट्यूबर्स स्टोर फूड. पोटेटोज बेयर सम स्टेम्स दैट नेवर अपीयर अबव ग्राउंड. The tips swell and become packed with starch to form tubers. Certain spring plants such as onion and turnip produce a short thick stem called a bulb. Bulbs have thick leaves that contain food for the plant. In cactus, where the leaves are modified to spines, stems are green and perform the function of making food as well. Achha, ab dekhiye मॉडिफाइड फंक्शन क्या है स्टेम के. कुछ आपकी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिससे कहा जाता है ट्यूबर्स, जो कि आपके फूड को स्टोर करते हैं. जैसे कि पोटैटो. अब पोटैटो आप सोचते हैं कि अंडरग्राउंड होता है तो इट मस्ट बी अ रूट, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअल में पोटैटो जो है वो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है. बहुत सारे स्प्रिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि अनियन या टर्निप की बात करें, इनमें एक थिक स्टेम प्रोड्यूस होती है जिसे कहा जाता है बल्ब. बल्ब में थिक लीव्स होती हैं जिसमें फूड होता है प्लांट के लिए. कैक्टस में जो लीव्स हैं वो आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में. फिर आपके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फिर वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं. 4.5 लीफ एंड इट्स फंक्शन. लीफ इज द पार्ट वेयर मोस्ट फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज नॉर्मली ग्रीन एंड अरेंज्ड ऑन द स्टेम इन सच वे दैट इट गेट्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ सनलाइट. The leaf has two main regions, a blade or lamina and a stalk or petiole. The stalk connects the leaf to the stem while the blade is thin flat part of the leaf. Acha, leaf, aapko pata hai, leaf is the kitchen of the plant or food factory of the plant. Kyunki ye khana banata hai. Jo photosynthesis ka process hai aapka, wo leaf mein hi hota hai. To normally aapki green color ki hoti hai aur is tarah se arranged hoti hai ki ye maximum amount of sunlight ko ye receive kar sake. To leaf ke do main part hote hai. आपका सबसे पहले होता है ब्लेड या फिर लेमिना. देखिए, दिस वन इज योर ब्लेड और लेमिना. एंड आपका होता है स्टॉक या फिर पिटियोल. दिस पार्ट इज लीफ और आपका स्टॉक और पिटियोल. इन एडिशन देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. सम लीव्स हैव ओनली वन ब्लेड एंड आर कॉल्ड सिंपल लीव्स. द ट्यूलिप लीव एंड एप्पल लीव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीव्स. लीव्स सच एज द Black locust and poison ivy have two or more blades. These are examples of compound leaves. अच्छा,
दो तरह की लीव्स होती हैं आपकी, कुछ लीव्स में सिर्फ एक ब्लेड होती है तो उसे हम कहते हैं सिंपल लीव्स, जैसे कि आपका ट्यूलिप लीफ या फिर एप्पल लीफ की बात करें, और कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जैसे कि ब्लैक लोकस्ट या पॉइजन आइवी में, इनमें दो या ज़्यादा ब्लेड्स होते हैं। तो इन्हें, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड लीव्स के। फंक्शंस ऑफ लीफ, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस is performed by the leaves. The leaves contain chlorophyll which traps the sun's energy and uses it to produce food. Leaves also release oxygen, a vital gas for all animals. Leaves have openings on their surface which are called stomata, singular stoma. These stomata regulate water loss through the leaves of the plant. This regulating process is called transpiration. The leaves are the main organs of respiration. The stomata takes in carbon dioxide which is needed to produce food and lets oxygen out of their leaf into the air. अब लीफ का फंक्शन तो आप सभी को पता है, फूड प्रिपेयर करना या फिर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना। लीव्स में आपके क्लोरोफिल होते हैं जो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं फूड के प्रोडक्शन में। लीव्स फिर ऑक्सीजन रिलीज करती हैं एंड आपको पता है कि लीव आपकी जो ऑक्सीजन है कितनी इंपॉर्टेंट गैस है सभी लिविंग बींग्स के लिए। तो लीव्स के सर्फेस पे ना ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, इसका सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है, वाटर लॉस को रेगुलेट भी ये स्टोमेटा ही करते हैं, और ये जो रेगुलेटिंग प्रोसेस है वाटर का दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीव्स मेन ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि आपको फूड प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं एंड देन वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मॉडिफाइड लीव्स, जस्ट लाइक स्टेम्स एंड रूट्स, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फुलफिल अदर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ वाटर इन डेजर्ट इज अ प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स दैट ग्रो देयर। सो प्लांट्स सच एज कैक्टस हैव मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, नीडल लाइक आउटग्रोथ। These spines do not allow transpiration to take place and the plant can survive in desert conditions. As you know, climbers have weak stem. These plants such as a pea plant have modified leaves in the form of coil-like structures called tendrils which help the plant in climbing. Some leaves are modified to store food, to swell and become fleshy such as onion. अब जैसे आपके modified roots होते हैं, आपके मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, ऐसी आपकी मॉडिफाइड लीव्स भी होती हैं जो कि दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करती हैं या दूसरे फंक्शन को फुलफिल करती हैं। जैसे आपको पता है कि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है ना, तो इससे क्या होता है, वहाँ क्या होता है कि जो जैसे कैक्टस की हम बात करें, ये एक आपका एक प्लांट है जो डेजर्ट में होता है, तो जो उसकी लीव्स हैं वो आपकी स्पाइन में टर्न हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो अब लीव्स नहीं रही वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, तो ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, है ना। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा और फिर वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। क्लाइमर्स की अगर हम बात करें, इनकी वीक स्टेम्स होती हैं, है ना। अब इन प्लांट में आपका पी प्लांट भी आता है, तो इसकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जिसे कहा जाता है टेंड्रिल्स। ओके, ये आपको जैसे नज़र आ रहे होंगे इस तरह से एक कॉइल फॉर्म होता है इस तरह से। तो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन वीक प्लांट्स को। कुछ आपकी लीव्स जो होती हैं आपकी स्वेल हो जाती हैं, ओके, और फ्लैशी हो जाती हैं जैसे कि अनियन। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, द ट्रैप इंसेक्ट्स आर ईटन बाय द प्लांट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचु प्लांट एंड सांटियो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, कुछ प्लांट्स वैसे हैं उनकी लीव्स जो है इस तरह से आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। तो आपके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना, जैसे कि आपका पिचो प्लांट एंड सैंडियो, इनकी लीव्स भी इसी तरह से मॉडिफाई होती हैं ताकि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सके और फिर अपना ये न्यूट्रिशन उन इंसेक्ट से लेते हैं। 4.6 द फ्लावर्स, द फ्लावर्स फिल द अर्थ विद ब्रिलियंट ब्यूटिफुल कलर्स एंड प्लेजेंट स्मेल्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर आपको पता है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, क्योंकि इनके कलर्स ही इतने अच्छे होते हैं, इनकी इतनी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो किसी भी फ्लावर का होता है वो ये होता है कि उसका काम होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, क्योंकि इसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के या फिर एंजियोस्पर्म्स जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर,
When a flower is still a bird, it is enclosed by leaf-like structures called sepals. These sepals protect the flower. They open and reveal the flower's petals. The color and shapes of the petals attract insects and birds, which play a vital role in the reproduction of flowering plants. देखिए, जब आपका फ्लावर बर्ड होता है, जिसे हम कली कहते हैं, तो इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, जिसको कहा जाता है सेपल्स. जैसे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज सेपल. सेपल क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद जैसे ही ये खुलता है, ये सेपल खुलते हैं, तो आपके फ्लावर के पेटल्स नजर आते हैं. फ्लावर पेटल्स, दीज आर द पेटल्स, ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं. तो जो कलर और शेप होता है पेटल का, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में फिर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द पेटल्स सराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द स्टेमेंस आर द मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर्स. इन मोस्ट फ्लावर्स ईच स्टेमेन हैज टू पार्ट्स. द फिलामेंट इज स्टॉक लाइक एंड सपोर्ट्स द एंथर. द एंथर प्रोड्यूसेस द पोलन व्हिच कंटेन्स द स्पर्म. तो पेटल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं. स्टेमेन चाहे आपके ये मेल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के. ज़्यादातर फ्लावर्स में हर स्टेमेन के टू पार्ट्स होते हैं. जो फिलामेंट है आपका, ये स्टॉक लाइक होता है और ये एंथर को सपोर्ट करता है. एंथर पोलन को प्रोड्यूस करता है जिसमें स्पर्म होते हैं. पिस्टल्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर आर द फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर. मोस्ट फ्लावर्स हैव टू और मोर पिस्टल्स, व्हेयरएज फ्लावर्स सच एज द स्वीट पी हैव ओनली वन. Pistils of most flowers have three parts. At the base of the flower is a hollow ovary. The ovary contains egg cells. A slender tube called the style connects the ovary to a sticky structure at the top of the pistil. This structure is called the stigma. अब pistil देखिए, pistil आपका क्या है? क्योंकि flower के center में होते हैं, ये female organs होते हैं flower के. तो ज़्यादातर flowers के दो या ज़्यादा pistils होते हैं. जैसे कि आपका स्वीट पी है, इसका सिर्फ एक ही होगा. तो ज़्यादातर फ्लावर्स के पिस्टल में थ्री पार्ट्स होते हैं. फ्लावर के बेस में होता है एक होलो ओवरी, एंड ओवरी में आपके एग सेल्स होते हैं. एक स्लेंडर ट्यूब होती है जिसे कहा जाता है स्टाइल, जो कि क्या करता है, ओवरी को कनेक्ट करता है कि स्टिकी स्ट्रक्चर से पिस्टल के टॉप पे. तो जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. In flowers, reproduction occurs in two stages. First, the pollen has to be transferred to the stigma. This stage is called pollination. In self-pollination, pollen is transferred to the stigma of the same flower or to the pistil of another flower on the same plant. When pollen is transferred from the flower of one plant to the stigma of another plant, it is called cross-pollination. In this pollination, pollen grains are carried from flower to flower by wind, insects and birds. देखिए, flower में reproduction दो stages में होता है. पहला तो पोलन जो है आपके ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे, ये आपका होता है पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन जो है वो ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे या फिर पिस्टल पे दूसरे फ्लावर के, बट ऑन द सेम प्लांट. अच्छा, अब पोलन जब ट्रांसफर होता है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट तक, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. तो इस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स को कौन कैरी करता है फ्लावर टू फ्लावर, या तो विंड्स कैरी करती है या इंसेक्ट या फिर बर्ड्स. एज द स्टिग्मा सर्फेसिज ऑफ ऑल फ्लावर्स आर स्टिकी, द पोलन ग्रेन आर स्टक टू इट. वंस पोलन रीचेज द स्टिग्मा, अ ट्यूब पुशेस इट्स वे डाउन द स्टाइल ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी. द स्पर्म फ्रॉम द पोलन ग्रेन दैट ट्रेवल्स डाउन टू द ट्यूब टू द ओव्यूल. व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग, फर्टिलाइजेशन अकर्स, द सेकेंड स्टेज इन फ्लावर रिप्रोडक्शन. द फर्टिलाइज्ड एग बिकम्स अ सीड एंड द ओवरी डिवेलप्स इनटू अ फ्रूट. This fruit is a ripened ovary that encloses and protects the seed. Apples and cherries are two examples of fruit. अच्छा, आप देखिए, जैसे ये स्टिग्मा आपका आपके फ्लावर के सरफेस पर जाएगा, वो स्टिकी होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो उसमें स्टक हो जाते हैं. तो पोलन जैसे ही आपका स्टिग्मा तक पहुंचता है, ट्यूब उसको पुश करती है. पुश डाउन कहाँ करती है? स्टाइल ऑफ एन ओव्यूल, जो आपके ओवरी में होता है. फिर जो स्पर्म होते हैं पोलन ग्रेन से, फिर ट्रैवल करते हैं उस ट्यूब में ओव्यूल तक. फिर स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है. ये सेकेंड स्टेज होती है फ्लावर रिप्रोडक्शन की. फिर फर्टिलाइज एग जो है वो आपका सीड बनता है, फिर जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है. फिर ये जो आपका फ्रूट होता है ना, ये आपका राइपेंड ओवरी होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है. जैसे एप्पल्स एंड चेरीज, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स के.
structure and functions of animals. 4.7 Movement in animals. Animals show various movements like running, swimming, flying, gliding, and creeping. Different animals have different parts which help them in movement. Backbone is one such part which helps in movement of the body. But not all animals have backbones. Now let us know as to how some animals move. देखिए animals movement show करते हैं by running or swimming, flying, etc. तो इनमें different parts इनकी help करते हैं movement में, है ना? Backbone जो है ये भी body के movement में help करता है. तो चलिए और कुछ ऐसे animals होते हैं जिनकी backbones भी नहीं होती. तो चलिए देखते हैं animals किस तरह से इनका movement होता है one by one. Number one, fish. Fish are best adapted to a life in water. They have a streamlined body which allows them to glide through water easily. Most fish have fins. Some fins keep a fish upright so that it does not roll over on its side, while the other fins help the fish to steer and stop. The side-to-side movement of the large tail propels the fish through water. Fish aapke jo hain wo best adapted hain water mein rehne ke liye. राइट इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे इजीली ग्लाइड करते हैं वाटर के थ्रू. ज़्यादातर फिश के फिन्स होते हैं, कुछ फिन्स जो हैं वो फिश को अपराइट रखती हैं, जबकि जो दूसरी फिन्स होती हैं वो फिश को स्टीर एंड स्टॉप करने में हेल्प करती हैं. जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है बड़ी टेल का, वो क्या करते हैं, वो प्रोपेल करते हैं फिश को थ्रू वाटर. नंबर टू, बर्ड्स. Birds, along with bats and insects, are the only animals with the ability to fly. Birds have wings, legs, and a body covered with feathers. They also have a light, small, and hollow bones, which is an advantage while flying. They usually have large feathers on their wings. These feathers provide lift, much as an airplane's wings, to lift them off the ground. अच्छा, birds हैं या आपके bats या insects हैं, ये animals हैं जो आपके fly कर सकते हैं. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं और एक बॉडी होती है जो कवर्ड होती है फेदर के साथ. इनके बोन्स काफ़ी लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, होलो होते हैं, जो कि एक एडवांटेज है ना. होलो बोन्स की वजह से इजीली फ्लाई करते हैं. तो इनके लार्ज फेदर्स होते हैं इनके विंग्स में, ये फेदर जो इनको लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं. राइट, कॉकरोच. द कॉकरोच इज अ कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट. इट्स थॉरेक्स हैज 6 वॉकिंग लेग्स. ऑल द वॉकिंग लेग्स आर सिमिलर. ईच लेग हैज 2 क्लॉज एट द लोअर एंड. Between the claws is a soft adhesive organ, rolium, for holding smooth surfaces which the claws cannot grasp. A cockroach has 2 pairs of wings. One pair of wings is leathery and does not help it in flight. The second pair of wings is large, thin and transparent and is used to fly. Ab cockroach kya hai? Aapko dekha hoga, ek common household pest hai. Iska thorax mein 6 walking legs hote hain. Aur jo walking legs hote hain wo similar hote hain. हर लेग में इसके 2 क्लॉज होते हैं लोअर एंड में. तो जो क्लॉज के बीच में एक सॉफ्ट एडेसिव ऑर्गन होता है जिससे एरोलियम भी कहा जाता है, ये क्या करता है, स्मूथ सरफेस को होल्ड करने में हेल्प करता है, जिसको कि उसके क्लॉज नहीं ग्रास्प कर पाते. कॉकरोच के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं. जो 1 पेयर ऑफ विंग यानी जो 4 विंग्स है वो वेदरी होते हैं और ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते, जबकि जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसे हिंड विंग्स भी कहा जाता है, ये लार्ज, थिन होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसको ये फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं. अर्थ वर्म्स. इन अर्थ वर्म्स हैज अ सेगमेंटेड बॉडी. इट लिव्स इन द सॉइल एंड कम्स आउट व्हेन इट रेन्स. इट इज अ स्लाइमी आउटर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ अ स्लिपरी म्यूकस व्हिच हेल्प्स द अर्थ वर्म ग्लाइड थ्रू द सॉइल. स्मॉल ब्रिसल्स और स्टे ऑन इट्स सेगमेंट्स हेल्प द अर्थ वर्म टू पुल इटसेल्फ अलोंग द ग्राउंड. दे हेल्प इट टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. इट्स मसल्स हेल्प इट टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन इट्स बॉडी. अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में होती है. राइट, ये आपका सॉइल में रहता है, आपको पता है जब बारिश आती है तो ये बाहर आ जाता है. इसका स्लाइमी आउटर लेयर होता है जो कि स्लिपरी म्यूकस से बना होता है, जो कि अर्थवर्म को ग्लाइड करने में हेल्प करता है थ्रू द सॉइल. इसमें स्मॉल ब्रिसल्स होते हैं इसके सेगमेंट्स में, जो अर्थवर्म को हेल्प करते हैं पुल करने में. राइट, और इसकी वजह से इनको अच्छी ग्रिप मिल जाती है ग्राउंड में. इसकी मसल्स जो हैं इसको एक्सटेंड और शॉर्टन करने में हेल्प करते हैं इसकी बॉडी को. For movement, the earthworm first extends the front part of its body and keeps the rear portion fixed to the ground with the help of stay. Then it fixes its front end to the ground and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This enables it move forward by a small distance. Repeating the muscle expansion and contraction, the earthworm moves
through soil. It moves at the rate of about 25 centimeter per minute. अब देखिए क्या होता है कि जब मूवमेंट में मूवमेंट कैसे करता है, अर्थवर्म सबसे पहले अपनी फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और जो उसका रियर पार्ट होता है, रियर पोर्शन यानी जो बैक पोर्शन होता है, इसको ये ग्राउंड पे फिक्स रखता है. फिर अब ये क्या करता है कि अपने फ्रंट पार्ट को ये फिक्स करेगा ग्राउंड पे और फिर जो रियर एंड है इसका उसको रिलीज करेगा, राइट. फिर इसके बाद अपनी बॉडी को शॉर्टन करता है एंड फिर रियर एंड को पुल करता है फॉरवर्ड. तो इससे उसका मूवमेंट होता है बट बहुत थोड़े से डिस्टेंस में. फिर ये रिपीट करता है, इसका जो मसल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको रिपीट करता है, जिसकी वजह से वो मूव करता है. और इसका जो मूवमेंट का रेट है वो है आपका 25 सेंटीमीटर पर मिनट. स्नेक्स, द स्नेक्स लॉन्ग एंड रिलेटिवली स्लेंडर बॉडी हैज मोर रिब्स एंड वर्टिब्रे देन अदर बैकबोन एनिमल्स. इट मेक्स द स्नेक मच मोर फ्लेक्सिबल एंड हेल्प्स इट इन मूविंग इन मोर देन वन वे. इट्स रिब्स आर अडेप्टेड फॉर क्रीपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड. The snake's ribs, thin muscles and scales help it to move. It moves by wriggling its muscular body. The scales, thin plates of hard material which cover the snake's belly help it to grip the ground and push itself forward. The snake's body curves into many loops due to its flexibility. Each loop gives it a forward push by pressing against the ground. As its long body makes many loops and each loop gives it a push, the snakes move forward very fast but not in a straight line. Snake काफ़ी लंबा होता है और उसकी काफ़ी slender पतली body होती है, इसमें बहुत सारे ribs होते हैं, vertebrae होते हैं comparatively backbone animals के, right? तो इसकी वजह से जो उसकी body होती है ना snake की, काफ़ी flexible होती है और ये एक से ज़्यादा way में ये move करता है. स्नेक्स की जो रिब्स होती हैं, थिन मसल्स और स्केल्स, उसको मूव करने में हेल्प करती हैं. ये कैसे करता है? ये मूव करता है अपने मस्कुलर बॉडी को रिगल करते हुए. जो स्केल्स होते हैं, थिन प्लेट्स जो हार्ड मटेरियल के होते हैं, ये स्किन की बैली को कवर करके रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो ग्रिप बनाए रखता है ग्राउंड में और अपने आप को फॉरवर्ड पुश करता है. स्नेक की जो बॉडी है वो काफ़ी सारे लूप्स में कर्व हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. फिर हर लूप इसको एक फॉरवर्ड पुश देता है ना. एंड उसके बाद जब इसकी बॉडी बहुत सारे लूप्स बनाती है तो हर जो लूप है ना उसको एक पुश देता है. तो इसकी वजह से जो स्नेक है वो फॉरवर्ड मूव करता है बहुत ही फास्ट. बट कभी भी नोट कीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं करता, ये जिगजैग जिगजैग पाथ अपना कवर करता है. स्नेल्स, स्नेल्स कैन ईजिली सीन इन गार्डन्स. दे नीड अ मॉइस्ट एनवायरमेंट टू सर्वाइव. दे मूव स्लोली अलोंग अ ट्रेल ऑफ म्यूकस दैट दे प्रोड्यूस. As they release this slippery mucus, they are able to travel easily over rough surface as the body does not actually touch the ground. Snails आपको gardens में मिल सकते हैं जहाँ पर आपका moisture रहता है, right? तो ये क्या करते हैं, slowly slowly move करते हैं, ये trail of mucus को छोड़ते हैं जो produce करते हैं. और ये slippery mucus इसलिए release करते हैं क्योंकि क्या है कि ये rough surface पर easily क्या करते हैं, travel नहीं कर पाते. तो क्योंकि ये mucus, वो जो slippery mucus है, उसकी हेल्प से फिर ये मूव करते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है ना वो एक्चुअल में ग्राउंड को टच नहीं करती. 4.8 द ह्यूमन बॉडी. द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव. टू हेल्प अकम्पलिश दिस टास्क, द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन. देयर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी: मसल, कनेक्टिव नर्व एंड एपिथेलियल टिश्यू. You will read in detail about these tissues in higher classes. Just as cells join together to form tissues, different tissues combine to form organs. The heart, stomach and brain are all organs. Group of organs working together is known as organ system. Here you shall read about the skeletal system of your body. देखिए, human body जो है ना वो trillion of cells से बनी है जो साथ में काम करते हैं और organism उसकी वजह से alive रहता है. तो देखिए, आपको पता है कि जो सेल्स, जैसे हमने पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं आपके टिश्यू. और टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो चार बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं ह्यूमन बॉडी में, वो हैं आपके मसल, कनेक्टिव नर्व एंड एपिथेलियल टिश्यू. इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में. तो जैसे आपके सेल्स साथ में ज्वाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि आपके हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स हैं. एंड जो ग्रुप है ऑर्गन्स का वो साथ में काम करके बनाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम. 4.9 स्केलेटल सिस्टम. यू नो दैट द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रिंगी कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स.
Together, the bones and the ligaments that hold them in place make up most of the skeletal system. Thus, skeletal system is a framework of bones. It provides a definite shape to the body and protects internal organs such as heart, liver, kidney, etc. अच्छा देखिए ह्यूमन बॉडी आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं 206 ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंगी कनेक्टेड टिश्यू से जिसे कहा जाता है लिगामेंट्स तो देखिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है आपका फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है ये हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है राइट फंक्शंस द स्केलेटल सिस्टम हैज फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इट प्रोवाइड्स शेप्स इट अलाउज मूवमेंट It protects organs, it produces blood cells and it stores certain material. So, see, skeletal system ke five important functions hai. Right? Ye shape provide karta hai, movement ko allow karta hai, organ ko protect karta hai, blood cells produce karta hai and bahut sare material ko ye store karta hai. In addition to giving shape and support to the body, the skeletal system serves four other vital functions. One of these is movement. Almost all the bones are attached to the muscles. Working together, bones and muscles allow you to walk, sit, stand and even smile. अच्छा देखिए, shape and support provide करने के अलावा जो skeletal system है, इसके चार important functions और हैं. उनमें से एक है movement. जितने भी bones हैं आपके muscles के साथ attached होती हैं. फिर bones and muscles साथ में काम करके हमें walk करने में help करते हैं, हमें खड़े होने में, चलने में, even smile करने में help करते हैं. Bones also protect the organs of your body. If you move your fingers along the center of your back, you can feel your backbone or vertebral column. It protects the spinal cord, which contains nerve tissue and serves as the message cable between the brain and other body parts. तो देखिए bones जो हैं हमारे organs को भी protect करते हैं body के. जैसे कि अगर आप अपनी fingers को move करेंगे अपने back पे, तो आपको एक backbone या फिर जो आपका जो vertebral column भी इसे कहते हैं कि आपको feel होगा. ये spinal cord को protect करता है. जिसमें आपके नर्व टिश्यूज होते हैं और एक मैसेज केबल की तरह ये काम करता है ब्रेन और दूसरे बॉडी पार्ट्स के बीच में बोन्स स्टोर इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फास्फोरस आर कॉन्स्टेंटली डिपॉजिटेड इन बोन्स फॉर फ्यूचर यूज द लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस मेनी ऑफ द ब्लड सेल्स नेसेसरी फॉर हेल्दी ब्लड अब बोन्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी स्टोर करते हैं जैसे कि कैल्शियम या फॉस्फोरस ये आपके बोन्स में ही डिपॉजिट होते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए जो लंबी बोन्स होती हैं बॉडी की वो क्या करते हैं बहुत सारे ब्लड सेल्स को ये प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्दी ब्लड के लिए नेसेसरी है पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम फॉर स्टडिंग यू मे डिवाइड द स्केलेटल सिस्टम इन टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट कवर्स द एरिया दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड एंड डाउन द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन टू द हिप्स दिस पार्ट कंप्राइजेस ऑफ द स्कल द चेस्ट with its ribs and other bones and the vertebral column made up of 33 separate bones stacked on top of the other each bone is called a vertebra plural vertebrae the second part of the skeletal system includes the bones that branch out from the first part these bones include the pelvis the bones of the arms and legs the clavicles or collarbones and the scapulas or shoulder blades अच्छा अब स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो क्या करता है वो कौन सा एरिया कवर करता है जो आपके हेड के टॉप से लेके आपके डाउन तक जाता है स्ट्रेट लाइन में हिप्स तक ओके इसमें आपका स्कल आता है चेस्ट विद इट्स रिब्स एंड बोन्स और वर्टीब्रल कॉलम जो आपके 33 सेपरेट बोन से बना है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है और हर बोन को कहा जाता है वर्टीब्रा जो सेकेंड पार्ट है स्केलेटल सिस्टम में इसमें आपका आता है बोन्स जो कि ब्रांच आउट होते हैं आपके कहाँ से आपके फर्स्ट पार्ट से फिर ये जो बोन्स है इसमें आपके इंक्लूडेड होते हैं आपके पेल्विस होता है या आर्म्स या लेग्स की आपकी बोन्स होती हैं आपका कॉलर बोन्स होती हैं आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं राइट 4.10 स्केलेटल जॉइंट्स द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ जॉइंट्स अच्छा देखिए जिस प्लेस पे दो बोन्स आपकी मीट करती हैं उसे हम जॉइंट्स कहते हैं और जॉइंट्स आपके होते हैं तीन तरह के नंबर वन पिवट जॉइंट दिस जॉइंट अलाउज द बोन्स It connects to move. For example, it allows to shake or nod the head. It is located between the first two vertebrae in the neck. Number two, ball and socket joint. The ball and socket joint allows you to swing the arm in a circle. Such joints are made up of a bone with a rounded head that fits in the cup-like cavity of another bone. Pivot joint क्या होता है? आपका वो allow करता है bones को कि वो move कर सकें. ठीक है? जैसे कि ये आपको head को shake और nod करने में help करता है. Right? ये आपके पहले जो दो वर्टीब्रे होते हैं नेक के उनके बीच में लोकेटेड होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है
जैसे आप अपनी आर्म को एक सर्कल में स्विंग करते हैं, राइट, तो ऐसी जॉइंट्स आपकी जो हैं वो बोन से बनी होती है जिसमें एक राउंडेड हेड होता है जो कि एक कप लाइक कैविटी किस में आपका फिट होता है दूसरी बोन के। हिंज जॉइंट, व्हेन अ पर्सन स्विंग्स एन आर्म फॉरवर्ड द बेंड एट द एल्बो स्ट्रेट्स आउट, द एल्बो इज अनदर टाइप ऑफ जॉइंट, अ हिंज जॉइंट। दिस जॉइंट इज ऑल्सो फाउंड एट द नी विच अलाउज मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बट वेरी लिटिल टू ईदर साइड। अब हिंज जॉइंट जो है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे एक पर्सन है अपना आर्म फॉरवर्ड स्विंग करता है ना, तो जो बेंड होता है एल्बो के वो स्ट्रेटन आउट हो जाता है। तो एल्बो आपका हिंज जॉइंट का ही एग्जांपल है। इसी तरह से आपका जो ये जॉइंट आपका नी में भी पाया जाता है। की पॉइंट्स, अ चीता इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इंटू 5 कैटेगरीज, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स। प्लांट्स हैव 2 सिस्टम, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। Roots anchor the plants to the soil and grow towards moisture and gravity but away from light. Stems bear leaves and flower and hold the plant upright. Leaf is the part of the plant where most food is made by the process of photosynthesis. Leaf is normally green and has 2 main parts, a blade or a lamina and a stalk or petiole. Flowers are the structures that contain the reproductive organs of the flowering plants. The stamens are the male organs of the flowers. The pistils are the female organs. In flowers, reproduction occurs in 2 stages, pollination and fertilization. Birds have light, small and hollow bones. The earthworm has a segmented body. Human body is made up of trillions of cells working together. Connective tissues are called ligaments. The bones and the ligaments that hold them in place make up most of the skeletal system. Skeletal system gives shape and support to the body and protects it. A joint is any place where 2 bones meet. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।